पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सुर्खरू करने वाली फैशन की सनद से मुंसलिक अफराद भी इस मुश्किल घड़ी में हमवतनों से इजहार यकजहती के लिए उठ खड़े हुए हैं। 60 से ज्यादा फैशन डिजाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ज्वेलरी डिजाइनर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने रॉयल पाम कंट्री क्लब में एक नुमाइश फैशन फॉर फ्लड रिलीफ का इनेकाद किया और अपने काम को सैलाब जदगान की इमदाद के लिए आधी कीमतों पर फरोख्त किया। हमने सोचा कि हम इनकी हेल्प करें और हमने अपने सारे फेलो डिजाइनर्स को फोन किए, उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने हमें बहुत खुले दिल से डोनेशंस दी। उन्होंने अपने सारे कपड़े हमें दे दिए और वो हम उनके स्पेशल प्राइसेस पे यहाँ पे बेच रहे हैं। इट जस्ट गोस टू शो के डिजाइनर्स की सब्सटेंशियलिटी और वो जो अपनी कॉन्शियस जो है वो अभी तक भूले नहीं है। एवरीवन हैज कम टुगेदर एंड एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग एंड इट्स वेरी गुड स्पिरिट दैट आवर नेशन हैज राइट नाउ। हर एक को सेटिस्फेक्शन हो रही है कि आपको चीजें भी लो प्राइस मिल रही हैं और दूसरा ये भी कि आप यू आर आल्सो हेल्पिंग द फ्लड विक्टिम्स। नुमाइश में ल्यूरे, मारिया बी, दमास, मेहदी, सारा तासी, शुएब फाइन ज्वेलरी, टीजे, डिप्लेक्स, बबलू सेलोन, दीपक परवानी, निकी एंड नीना, उमर सईद, HSY, अमार बिलाल, सोनिया बाटला, रिपब्लिक, माहीन खान, शेजनूर, यम, लोटस, सेवे और QIT इवेंट ऑर्गेनाइजर समेत 60 से ज्यादा ब्रांड्स ने अपना काम रिलीफ फंड के लिए पेश किया। नुमाइश में शरीक शायकीन ने दिल खोलकर खरीदारी की। खरीदारों में मुल्क की नामवर फिल्म स्टार रेशम भी शामिल थी। रॉयल पाम में रीमा और मेहरू जो कि दो स्टूडेंट बच्चियाँ हैं उन्होंने ये सारा अरेंज किया है। ये बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन हमें इस जज्बे को रोकना नहीं है, बस इसको करते जाना, क्योंकि हम जितना उनके लिए करेंगे उतना ही कम है। यहाँ पे माशाल्लाह 60 डिजाइनर्स और डिफरेंट इवेंट मैनेजर्स और मेकअप आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया, इवन ज्वेलरी डिजाइनर्स भी थे। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आम आवाम मीडिया को देख के बहुत हिम्मत और एक जज्बा पैदा करती है अपने में। वी ऑलवेज सेलिब्रेटेड ईद विद शॉपिंग एंड मेहंदी एंड क्लोथ्स एंड आई डोंट थिंक एट दिस टाइम वी शुड बी डूइंग दैट। टीवी की वसासत से लोगों से अपील करूंगा कि सैलाब जदगान की मदद के लिए जज्बा फाउंडेशन की इमदाद करें और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी दी हुई अशिया और पैसों का एक तो बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा और वो मुस्तहिक तरीन लोगों के पास हम इन चीज़ों को भिजवाएंगे। माशाल्लाह इतनी रेजिलिएंट कौम है, हर चीज़ के साथ पुट अप कर जाती है और कहते हैं ना कि दे कम टुगेदर एंड दे मेक द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन। इफ्तारी से पहले ही नुमाइश में रखा जाने वाला 80% स्टॉक बिक गया। नुमाइश से हासिल होने वाली रकम को जज्बा फाउंडेशन के जरिए मुतासरा अफराद तक पहुंचाया जाएगा। फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मुतासरा अफराद की बहाली के लिए ऐसी नुमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान के साथ अली अनिक सैयद, सिटी 42।